नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग और एक्सेसरीज और फ़ोन का ओवरव्यू करने जा रहे हैं। ओसुस ज़ेनफोन लाइट L1 जो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है 4,999 में, और ये आज ही रिसीव हुआ है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या हमको मिलता है। ये देखिए, काफ़ी कलरफुल पैकेज है इसका। ये देखिए, ये इसका बॉक्स है, काफ़ी कलरफुल है, ज़ेनफोन लाइट L1। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए इसके अंदर ये 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज वाला मॉडल है। 5.5 इंच HD+ डिस्प्ले है और LTE मोड ड्यूल सिम है, और 5 MP और 30 MP के इसमें कैमरे हैं। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। बिल्कुल ये सील पैक है बिल्कुल, और ये अक्टूबर 2018 की मैन्युफैक्चरिंग है। इसका MRP है 7,199, जो कि फ्लिपकार्ट पे 4,999 का मिल रहा है। ये इन्होंने लिखा हुआ है वी फोटो, यही इन्होंने इसके ऊपर भी लिखा हुआ है वी फोटो। इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें फ़ोन का IMEI नंबर और ये कुछ पैम्पलेट हैं, कुछ फ़ोन की जानकारी है, बटन वगैरह एक्सेसरीज के बारे में। इसको साइड में रखते हैं। ये है हैंडसेट, ये देख लीजिए। साढ़े 5 इंच की स्क्रीन है, और मैं जल्दी से स्क्रीन की ओर करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑल ब्लैक है तो सब कुछ ब्लैक ही दिख रहा है इसका। और ये इसका बैक है, बैक भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छी शाइनिंग स्पेस है और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लग रही है, मतलब कि सॉलिड लग रहा है फ़ोन ये। तो जैसे रेडमी का जो 6A आता है, ये उससे भी 1,000 रुपये सस्ते में है, और उसमें स्नैपड्रैगन 450 का जो प्रोसेसर है वो आता है, 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल के साथ। सिंगल कैमरा है पीछे विद फ्लैश, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये देखिए स्क्रीन, 5.5 इंच की स्क्रीन है ये, तो काफ़ी अच्छी स्क्रीन है। 5,000 रुपये के हिसाब से HD+ स्क्रीन है, तो काफ़ी अच्छी स्क्रीन है। ये IMEI नंबर दिया हुआ है कुछ इसका। ये इसके वॉल्यूम रॉकर हैं, ये पावर ऑन ऑफ बटन है, 3.5 mm जैक है, और नीचे USB टाइप चार्जिंग है, और ये स्पीकर्स के लिए कुछ दिया हुआ, माइक और स्पीकर्स के लिए। हम देखते हैं और बॉक्स के अंदर क्या आता है। ये बॉक्स में USB चार्जिंग लीड है, और ये इसका चार्जर है। तो इसमें चार्जर जो है वो 1 एम्पीयर का आ रहा है, तो फास्ट चार्जिंग नहीं है ओबियसली, 1 एम्पीयर का चार्जर है तो फास्ट चार्जिंग नहीं नहीं। चलिए ठीक है, और बॉक्स के अंदर क्या आता है। तो जस्ट यही एक एक्सेसरी जो इसके साथ आती है। हाँ, इसके साथ एक ये देखिए, ये इसका पिन है, ये सिम स्लॉट को एग्जैक्ट करने के लिए, और कुछ इसके साथ बैक कवर नहीं आता है, जैसे आजकल नॉर्मली हर के साथ बैक कवर या लीड वगैरह आती है जो गाने सुनने के लिए काम आती है वगैरह, कॉल वगैरह। तो इसके अंदर ना तो हेडफोन है आ रहे हैं, और ना इसके साथ बैक कवर आ रहा है, जस्ट फ़ोन है, चार्जिंग है, ये चार्जिंग एडेप्टर है 1 एम्पीयर का, और ये चार्जिंग केबल है, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है फ़ोन की। तो 5,000 रुपये के हिसाब से फ़ोन लुक वाइज काफ़ी बेटर है, और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। तो यही हमारा आज का वीडियो था इस फ़ोन के बारे में। तो ये अनबॉक्सिंग है, ये इंडियन वर्जन है और फ्लिपकार्ट से मंगाया गया है। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।